भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए। यदि इन्होंने मोदक खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सोच समझ कर बात करो। इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतना ओछा आरोप उस पर लगा रही हो? गजानन तुम शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला गणेश लीला। मैं सत्य हूं जिसके आनंद से संपूर्ण जगत आनंदित होता है, जिसके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित होता है, जिस पर विचार करने के पश्चात और कुछ भी विचारणीय नहीं रहता, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जिसे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। मैं सत्य हूं। कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कौन कहता है इसमें विष था? किंतु ये कैसे हो सकता है? सब ऊपर वाले की लीला है, कुछ भी असंभव नहीं है। लो, तुम भी खाओ बेटी। जी, मैं बाद में ले लूंगी। बेटी, प्रसाद के लिए कभी ना नहीं कहते, इससे देवताओं की उपेक्षा होती है। ले लो बहू। माँ जी, मैं बाद में ले लूंगी। बहू, तुम ठीक तो हो? आप सब लोग इतना चिंतित क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? प्रसाद में तो विष था। विष? कैसा विष? राकेश्वरी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करके आई। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं मेरे सामने थे। ये तो प्रभु की लीला है। मुझे तो लगता है कलाधर ने मुझे वो मोदक प्रसाद के रूप में इसीलिए दिया था ताकि उसे ग्रहण करके मैं शिवलोक में भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन कर सकूं। छोटी बहू, इस समय तो वैद्यराज और वैद्यरानी हमारे लिए
शिव और पार्वती हैं। यदि ये न होते तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं ये वैद्य कहां से आ गया। हम तो निमित्त मात्र हैं। सारी लीला श्री गणेश की है। गणेश लीला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये विष का असर हो ही ना। रागेश्वरी मरी कैसे नहीं? इतना भयानक विष लाई थी। अब तक तो रागेश्वरी भगवान के पास होती और ये कलाधर घर के बाहर। इन बुढ़े बुढ़ियाओं ने तो बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हो सकता है कि ये कोई जादूगर हो। कहीं ये बुड्ढा तंत्र मंत्र तो नहीं जानता। कोई छोटा मोटा वैद्य इस विष को नहीं उतार सकता था। रुदुला, क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं। देखो अब भी संभल जाओ। यदि फिर तुमने ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। परंतु मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? हे भगवान, इन्हें कैसे पता चला? उस बालक तलाधर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परंतु मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुम उसके पीछे पड़ी हो, उस पर लांछन लगाकर उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस उससे। तुम उसे घर से निकालने जा रही थी, मैंने खुद देखा है। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। वैद्य जी के सामने कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगा। अरे अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि प्रसाद में विष नहीं था। सब मुझे ही दोष देते हैं, परंतु मैं जो भी करती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए करती हूँ। मैं कलाधर से प्रेम नहीं करती। फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या यही है तुम्हारा प्रेम? सच कहूं उससे ज्यादा प्रेम मैं अपनी देवरानी से करती हूं। और जब मूर्छित होकर गिर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी छोटी बहन को खो दिया और मैं पागल सी हो गई। और उस पागलपन में पता नहीं मैं क्या कर बैठी। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने क्या किया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे हाथ मत जोड़ो। हाथ जोड़ने ही हैं तो वैद्य जी के जोड़ो, जिन्होंने रागेश्वरी के प्राण बचाए और कलाधर को निर्दोष सिद्ध किया। यह एक शुभ संयोग ही माना जाएगा कि हमारा यहां आना हुआ।
हाँ स्वामी, इतने भले लोगों से मिलना था, ये तो एक संयोग ही है। आप दोनों की सेवा का अवसर मुझे मिलना था, इसीलिए श्री विनायक ने आपको यहाँ भेजा है। लीजिए, दूध पी लीजिए। हमने पिछले जन्म में अवश्य पुण्य कर्म किए होंगे, जो हमें राकेश्वरी जैसी इतनी सुलक्षणी बहू मिली। अभी तक अतिथियों की सेवा में लगी हुई है। मैं तो भगवान विनायक से विनती करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे बेटी के रूप में मिले। बहू बेटी से कम थोड़ी होती है इंदुमती। ईश्वर ने बेटी के रूप में हमें छोटी बहू दी है, नहीं तो ऐसे सेवा करने वाली कहाँ मिलती है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि विनायक की कृपा से श्रीनाथ का मंगल हो जाए तो रागेश्वरी की भी कामना पूरी हो जाएगी। जिसके मन में भगवान विनायक की इतनी भक्ति हो, उसकी कामना अवश्य पूरी होगी। सत्य वचन। दूध पी लीजिए। वैसे भी आप दोनों को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, आपकी सेवा का अवसर भी नहीं मिल रहा था। अब तो तुम्हारी कामना पूर्ण हुई ना पुत्र। आप जैसे माता पिता के चरणों में ऐसा कौन सा पुत्र होगा जिसकी कोई भी कामना पूर्ण न हो। पुत्र, तुम्हारी इस लीला से हमें तुम्हारी माता से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही नेक है तुम्हारी माता। अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पुत्र तब से हमारी सेवा कर रहा है। तुम जाओ, अपने पति की सेवा करो। उनकी सेवा तो मैं सदा करती हूँ, किंतु आज मुझे आप दोनों की सेवा करने का अवसर मिला है। कितना सौभाग्यशाली है हमारा पुत्र जिसे ऐसी माता मिली है। मेरा सोचना सही है, इन बुढ़े बुढ़िया को अवश्य कोई तंत्र मंत्र आता है।
कौन सा तंत्र मंत्र है इनके पास। इनका तंत्र मंत्र यदि किसी को प्राण दे सकता है तो किसी के प्राण ले भी सकता है। यदि मैं इनके तंत्र मंत्र को पा जाऊं तो अपने रास्ते के कांटों को हटाना कितना सरल हो जाएगा। उनका रहस्य तो मैं लेकर ही रहूंगी। दोनों द्वार बंद करके चैन से सो रहे हैं। अब तुम्हारा रहस्य खोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। गांव वालों ने भगवान विनायक का मंदिर बनवाने के लिए जो आभूषण भेंट किए थे वो चोरी हो गए हैं। सबसे पहले हमें मुखिया जी के घर की जांच करनी चाहिए।